नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन लगातार क्लासें चल रही है अपनी, आज अपन चौथी क्लास को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और पहले तो क्लास शुरू करने से पहले जितने भी जो नए साथी जुड़े हैं अपने विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल से, वो तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अभी शेयर करें, ताकि जो जानकारियां है एग्जाम को लेकर वो अपने दोस्तों तक पहुंचाई जा सके। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं। देखो, आपको बता दूं, नेवी एयर फोर्स में एक खेल से रिलेटेड टॉपिक आता है भाई। खेल को लेकर एक टॉपिक पूछा जाता है, तो खेल को लेकर जो टॉपिक पूछा जाता है उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। देखो, खेल में तीन चार टॉपिक है। एक तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, एक स्टेडियम, एक खिलाड़ियों की उपनाम और एक खेल प्रमुख ट्रॉफी। तो आज अपन सबसे पहले चार पार्ट में खेलेंगे और चार पार्ट में अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे प्रमुख खिलाड़ियों की संख्या, कौन कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो उसको लेकर अपन पढ़ेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं। शुरुआत उतनी अच्छी आपकी उतनी अच्छी होगी भाई। देखो, शुरुआत होती है ना, वो आपने कर चुके हैं, बिल्कुल बच चुका है, अब बस परिणाम का इंतजार है। तो परिणाम देखो क्या रहता है, और परिणाम आपके हाथों में है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे, आप जितना मेहनत करोगे, परिणाम उतना ही बेहतरीन रहेगा। शोर जो है वह आपकी सफलता का होना चाहिए, उसमें ही मजा है। इसलिए अपन शुरुआत करते हैं खेल से, और खेल अपन बचपन से खेलते हैं। कुछ खेल, कुछ ऐसे खेल है जो आपके नहीं देखे, नहीं सुने ना, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। तो खेल से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, और पहला प्रश्न है कि बेसबॉल जो खेल है, बेसबॉल को गांव में अपन सॉफ्ट बॉल बोलते हैं, तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। आपको सबको पता है कि बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 9। कितनी होती है, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और ये यूएसए अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा देश का है, अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दूसरा रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। देखो, आपको बताऊं, ये अपने लिए नया है भाई। रग्बी फुटबॉल अपन ने बहुत कम देखा है, लेकिन रग्बी फुटबॉल बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। एज अपन अपने गांव की भाषा में बोले तो पकड़ा पकड़ी का खेल सा होता है। एक फुटबॉल के जैसी गेम होती है, उसको लेकर दौड़ते हैं, पकड़ा पकड़ी है, और वैसे ये गेम है, उसका बोलते हैं रग्बी। उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 15। दिमाग में आया सर पर्सन कैसे आते हैं, पर्सन भी तो पूछे यार पर्सन कैसे आएंगे। आपको बताऊं, पर्सन आते हैं ऐसे आएगा कि रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी याद रखनी है, 15 याद रखनी है। बेसबॉल में पूछा जाए तो बेसबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दूसरा पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और एक गेम है वाटर पोलो, और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। सॉरी, ये नेवी एमआर का, और अब की बात नेवी एसएसआर का पेपर लगा था, जब लेटेस्ट परिणाम आया है, उस पेपर में 2020 की एग्जाम जो लगी थी उसके अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7 होती है। और पोलो में कितनी होती है, 4। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, याद कैसे रखेंगे पोलो, आप 4 याद रखो। वाटर, देखो वाटर, 3 शब्द और जोड़ दिए पोलो में, तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 15, सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, खो खो, बचपन से खेलते हैं खो खो, अपन स्कूल में बहुत खेला है, और खो खो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। ये अपन सही हो जाते हैं, ये अपन रोज खेलते हैं, फिर भी अपने प्रश्न क्या होते हैं, अपने से गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष की बात करें अगर, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हॉकी, हॉकी में कितने होते हैं, 11, सबको पता ही है। फुटबॉल, फुटबॉल में कितने होते हैं, 11, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी, मतलब इन तीनों के अंदर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। देखो, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज्यादा रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के अंदर 9 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेटबॉल, नेटबॉल के अंदर भी कितने खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं,
सात खिलाड़ी होती है, कितने होते हैं सात खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल आप सबको पता ही है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं छह, कितने खिलाड़ी होते हैं छह खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसा मान कर लो, देखो अपन को एग्जाम आप कैसे, देखो सर हमारे पे आया ही नहीं, ये दिमाग कहते हैं सर हमने तो 2020 में एग्जाम दी, हमारे वाले पेपर में तो आया नहीं। आपको बता दूं देखो कुछ फिक्स टॉपिक है, देखो एयरफोर्स नेवी के अंदर जीके में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टॉपिक फिक्स है, फिक्स टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से एक खेल है, इसके अंदर आप ध्यान रखने हैं। देखो बेसबॉल में कितने हो जाएंगे नौ हो जाएंगे, रग्बी फुटबॉल में कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पोलो में कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, वाटर पोलो में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, खो खो में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, कबड्डी में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, हॉकी में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, फुटबॉल में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, क्रिकेट में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, नेटबॉल में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और वॉलीबॉल में कितने होंगे 6 खिलाड़ी होती है, ठीक है। ये आपको साफ रखना है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार थोड़ी याद लो, प्रश्न दोहराएंगे, प्रश्नों को बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन बोलते हैं एमसीक्यू, क्या बोलते हैं एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको जरूर करवाए जाएंगे, ठीक है ना। आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे, इन सब के जितने आपको पढ़ाए जा रहे हैं एमसीक्यू मैं आपको खुद करवाऊंगा, आप अपना चेक कर सकते हैं कितना आपका सही है कितना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो वॉलीबॉल था, ठीक है देखो आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल के बाद जिक्र किया जाए तो देखो वॉलीबॉल के बाद अपन बात करेंगे किसकी, टेनिस की। अब टेनिस दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगल और एक डबल, ये दो टेनिस होते हैं ना सिंगल और डबल। अब सिंगल में तो एक होगा और डबल के अंदर कितने, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, दो खिलाड़ी होते हैं। अब टेनिस का आपको पता ही है सानिया मिर्जा जो अपने देश की क्या है टेनिस खिलाड़ी है, तो टेनिस के अंदर कितने हो जाएंगे एक के, कितने हो जाएंगे दो, देखो ठीक है। तो टेनिस खिलाड़ी के अंदर टेनिस के अंदर एक अगर सिंगल तो एक, डबल है तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे दो खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। टेबल टेनिस सेम बात है, टेबल टेनिस के अंदर एक या कितने खिलाड़ी होते हैं एक या कितने खिलाड़ी होते हैं दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल के अंदर बहुत सिंपल है, कितने खिलाड़ी होते हैं पांच खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल और सबका देखा हुआ भी है, मतलब बॉल हाथ से खेला जाता है, बास्केटबॉल हाथ से नहीं खेला जाएगा, ठीक है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के अंदर एक ही होता है, डबल ही होता है, एक अपन ऐसा समझ सकते हैं अकेला बॉक्सिंग कैसे करा, नहीं एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बॉक्सिंग में एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। ताश का खेल है, सब जानते हैं गाँव में ताश फेवरेट है, चल रही है वर्तमान के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस के अंदर भी कितना एक ही कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। चेस, चेस के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। स्नूकर, स्नूकर में कितना खिलाड़ी होता है एक खिलाड़ी होता है। और इसके अलावा फुटसल की बात की जाए इसके अंदर भी कितने होते हैं पांच खिलाड़ी होते हैं। आपको बता दूं देखो यहां से नीचे वाले ये चार पांच हैं ये भी लेटेस्ट एग्जाम में भी कुछ एक दो बार पूछे गए, ज्यादा तो नहीं पूछे गए, ज्यादा तो जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया वॉलीबॉल बेसबॉल फुटबॉल टेनिस लॉन टेनिस इनके अंदर ज्यादा आता है। देखो ये ताश का खेल लॉन टेनिस चेस स्नूकर ये फुटसल इनके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसके ऊपर वाले जाना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्या आपको एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या है, अब देखो याद कैसे रखोगे आपको, देखो एक बार तो वीडियो दो से दो कम से कम दो बार तो आपको वीडियो को सुनना है गौर से, ठीक है। इसके बाद आपको बगैर देखे हुए लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, आराम से याद हो जाएगी, भूलने की नौबत ही नहीं है। तो आपको ये तो हो गया आपके एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। देखो खेल के चार पार्ट है, चार पार्ट में से अपन एक पार्ट स्टडी कर चुके हैं, इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ। दूसरा है देखो ये खिलाड़ियों के उपनाम, ये दूसरा खेल क्या हो जाएगा खिलाड़ियों के उपनाम को लेकर अपन क्या करेंगे डिस्कस करने का कार्य करेंगे, खिलाड़ियों के उपनाम। आप जानते हैं खिलाड़ी सारे के सारे, जब अपन किसको जैसे धोनी को माही के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसके ज्यादा जाता है उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला खिलाड़ी देखो, पहला कौन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं हॉकी का जादूगर, तो हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। और आपको पता ही है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में खेल दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में जब खेल खेलते थे तो उनकी स्टिक जो होती है उसके पास गेंद चिपकी रहती थी, मतलब इतनी कला थी कि विदेशी टीमों को ऐसा लगता था कि इनकी स्टिक में कोई ऐसा चुंबक है जो उनकी गेंद से चिपक गया और उसकी गेंद अलग नहीं होती थी, इसलिए नाम से प्रख्यात हुए और लोगों ने सिटीज के नाम से पुकारा, हॉकी के जादूगर के नाम से पुकारा। किनको मेजर ध्यानचंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है खेल दिवस जो आता है वो इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है, खेल दिवस है वो किनके सम्मान में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। पीटी उषा, पीटी उषा को किसके नाम से आते हैं उड़न परी, वेरी वेरी नेवी के एग्जाम में आ चुका है भाई,
पीटी उषा को किसके नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जानते हैं। उड़न परी क्या है? उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं? पीटी उषा को जाना जाता है। ठीक है, अगले हैं मिल्खा सिंह। नाम से पता चला भाग मिल्खा, भाग जो फिल्म आई थी वो इन्हीं के नाम पर आई थी। तो मिल्खा सिंह इनके ऊपर किसके नाम जानते हैं? फ्लाइंग सिख, बहुत तेज गति से दौड़ते थे। और आप बता दो आज भी मिल्खा सिंह का यह मानना है, भाई ये बात गौर से सुनना, मिल्खा सिंह के इंटरव्यू में ये बात सुनने को आई, मिल्खा सिंह का कहना है कि जब भी आपको तनाव हो, आपको मतलब घबराहट महसूस हो रही हो तो कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली ट्रैक पर जाना, ट्रैक का मतलब आपको खुले स्थान पर जाना है, थोड़ा भ्रमण करना है। ऐसा करने से दिमाग जो इंद्रिय है वो तेज गति से क्या करती है? रिकवर होती है। इसलिए लोग आज भी क्या इनको जो खेल जगत के अंदर लोग नमन करते हैं, नाम हो जाएगा मिल्खा सिंह। और को किसके नाम जाते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। जो नए हैं उनका ऐसा लगता होगा सा पर्सन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, तो पर्सन आएगा ऐसे कि निम्नलिखित में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। फिर चार ऑप्शन आएंगे, मान लो ये चार चार ऑप्शन आ गए तो आपको क्या करना है? मिल्खा सिंह आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, जाने माने क्रिकेटर जो जो अपना बाउंड्री लाइन होती है वहां से रन अप करके गेंद डालते थे, उनका नाम है शोएब अख्तर, जिनका संबंध कौन से देश से है? पाकिस्तान से। और उनको अपन क्या कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम जानते हैं। देखो ये पाकिस्तान से रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और ये सबसे ज्यादा रन अप लेकर क्या करते थे? बॉलिंग करने का कार्य करते थे। इसलिए लोग किसके नाम से जानते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। माइकल फेल्प्स, ये अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। माइकल फेल्प्स इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक के अंदर, और जिसने क्या बनाया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्हें पर किसके नाम से जानते हैं? फ्लाइंग फिश। देखो गड़बड़ मत करना, फिश मतलब मछली, मछली किसमें तैर किया? पानी में। और ये भी एक क्या है? तैराक। ये फ्लाइंग फिश क्या है? ये माइकल फेल्प्स क्या है? एक तैराक है। और इन्हें किसके नाम जानते हैं? फ्लाइंग फिश के नाम जानते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? इन्हे जानते हैं मिल्खा सिंह को। किसके नाम जानते हैं? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला है मेरी कॉम। आपको बताइए कि वे 3 से 4 बच्चों की माँ होकर भी आज देश के लिए क्या करती है? विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने, इतने देश का नाम रोशन किया। ये लोग जो महिलाएं हैं जो ये मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, भाई घर बार संभालिया कुछ नहीं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कौन? मेरी कॉम। भाई घर गृहस्थी में बच्चे बच्चे होने के बावजूद भी रेसलिंग करना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए मेरी कॉम को किसके नाम जानते हैं? सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सुपर मॉम। और मेरी कॉम ने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि मेरी शक्ति जो मैं जीतती हूँ, जब मैदान में जब खेलती हूँ, जब मैं हारती हूँ, वैसे लगता मैं हार रही हूँ, तब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं और उसे दुगना कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसीलिए उसको किसके नाम जानते हैं? सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिएंडर पेस, इनका संबंध किससे जाएगा? टेनिस। लिएंडर पेस को आप सारे जानते हैं, टेनिस से खिलाड़ी थे, अभी शायद संन्यास ले लिया उन्होंने, उनको पार्कर डायनेमो के नाम से जानते हैं। देखो ये शुरू के जो 6 हैं इसमें शोएब अख्तर का निकाल दे तो ये शुरू के जो 5 हैं ये सभी के सभी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। मैं शुरू में वही टॉपिक ले रहा हूँ, इजी से शुरू कर रहा हूँ, वही कोई पर्टिकुलर मैं एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल रहा, मैं विविध से शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे 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 अपन गहराई की ओर जाएंगे। शुरू में इजी टॉपिक और एग्जाम में आने लाइक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी जितने भी क्लास में पढ़ाई है समझ एक एक नंबर आपको साथ में पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली को लेकर एयरफोर्स को लेकर। तो लिएंडर पेस को किसके नाम से जानते हैं? पार्कर डायनेमो का नाम से जानते हैं। सबको पता है दादा सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके वर्तमान में अध्यक्ष है, उनको उसका उन्हें किसके नाम से जानते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सौरभ गांगुली का संबंध किस देश खेल से है? क्रिकेट से है। सौरभ गांगुली बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी है। ये अपन ने पीछे की दो क्लास में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर आया हुआ है और इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नाम हो जाएगा सौरभ गांगुली। क्या नाम हो जाएगा? सौरभ गांगुली हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहते हैं, मेरी कॉम को सुपर मॉम कहते हैं, लिएंडर पेस को पार्कर डायनेमो कहते हैं, और सौरभ गांगुली को किसके नाम से? बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे और इसके बारे में अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि अपने को सारी याद की जा सके। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टे होम घर पर हो और अपने YouTube चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी से लगातार जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है? चैनल को अपने माध्यम से आपको बातें पहुंचाई जा रही है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के खिलाड़ी है, ये किन के खिलाड़ी है? शतरंज के खिलाड़ी है, और इन्हें किसके नाम से जानते हैं? लाइटिंग किड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लाइटिंग किड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, राहुल द्रविड़ जाने माने अपने क्रिकेटर, महान क्रिकेटर, ठीक है, इन्हें द वॉल कहते हैं, दीवार के नाम से जानते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच ड्रॉ करवाना होता था तो राहुल द्रविड़ आते थे और वो लगभग बहुत लोग ऐसा कहते थे 200-300 गेंद खेल लेते थे फिर भी एक रन नहीं बनाते थे, मतलब ड्रॉ द वॉल दीवार की तरह टिक कर खड़े हो जाते थे और देश के लिए क्या करते थे, अगर मैच हार रहे हैं तो ड्रॉ कराने में सक्षम थे, द वॉल के नाम से आते हैं राहुल द्रविड़। वर्तमान में तंबाकू गुटखा पर जो प्रतिबंध है, जो भारत सरकार ने जो अभियान चला रखा है उसके ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़, गुटखा तंबाकू के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हें रोकने के लिए क्या करते हैं सलाह देने का कार्य करते हैं। हरभजन सिंह सभी जानते हैं, हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी जो बॉल वटर ज्यादा करते हैं, दूसरा ऐसा बोलते हैं इनके बारे में, उनकी बॉल को लेकर उनको नया नाम दिया गया टर्मिनेटर, हरभजन सिंह के नाम से हरभजन सिंह को जानते हैं। यान थोरपे को किसके नाम से जानते हैं, तारपीडो, यान थोरपे को किसके नाम जानते हैं, तारपीडो के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम रूप बात की जाए पेस व भूपति, लेडर पेस और भैंस भूपति ये दो टेनिस के खिलाड़ी है और इनको एक साथ जब ये मैदान में आते थे तो लोग उन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पुकारते थे, किसके नाम से पुकारते थे, इंडियन एक्सप्रेस के नाम जानते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेस व भूपति, लिएंडर पेस पूरा नाम और भैंस भूपति है, इन्हें पर इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है ये। और एक है पेले, पेले को किसके नाम जानते हैं, ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये पेले वाला भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से पेले की ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, पेले को जाना जाता है। ठीक है, ये अपने महत्वपूर्ण 14 ऐसे थे जो, अब देखो 14 तो ये हो गए, अब वर्तमान के दिन एक महिला खिलाड़ी थी जो बहुत धावक है, जो बहुत चर्चा में रही, उस महिला खिलाड़ी को भी एक उपाधि प्रदान की गई है। आपने सुना होगा उस महिला, जो महिला खिलाड़ी थी उस महिला खिलाड़ी को भी अनेक उपाधि प्रदान की। ऐसे भारत में जो महिलाएं वगैरह है जो पुरुषों खेल जगत के अंदर जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको अलग अलग नाम के नाम से जाना जाता है। देखिए हिमा दास का आपने नाम सुना होगा, जो अभी भी हाल ही में मेडल की लाइन लगा दी थी उन्होंने, मतलब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए दौड़ने के लिए जूते नहीं थे फिर भी उसने क्या किया मेडल की लाइन लगा दी गोल्ड मेडल की, उस हिमा दास को डिग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। हिमा दास को किसके नाम जानते हैं, डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको एक साथ में याद रखना है कि हिमा दास जो है उसको किसके नाम से जानते हैं, डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे माही, हिटमैन, रोहित शर्मा, माही, महेंद्र सिंह धोनी, ये पॉपुलर नाम नहीं है, ये तो अपन के द्वारा दिए गए हैं, मैंने जो एग्जाम में आने वाले नाम है वो सारे के सारे आपको ये याद रखने हैं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो खेल के दो पार्ट हैं, दो पार्ट हो गए, इसके बाद दो पार्ट और बचे हैं, एक तो इसमें कौन सा देश कौन सा खेल से संबंध रखता है और इसके अलावा एक कौन से ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, इतना पढ़ोगे और एक क्रिकेट स्टेडियम कौन सा अपना है तो अपने सम्मान के स्वरूप एक नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्की दुखी बार मैं तो वो फिक्स कह रहा हूँ, आप दो बार वीडियो को देखो और तीसरी बार आपको लगभग याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराई जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, और अपने जो वेपन डिफेंस अकेडमी है उसके चैनल से जुड़े हुए रहना है। ठीक है, तो ये लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।